जानकारी दें तो क्योंकि नादौन के चौगान मैदान में ये जनसभा उनकी ओर से संबोधित की गई थी और इसमें बहुत सारी बातें उन्होंने हिमाचल वासियों से की। सबसे शुरुआत में ही उन्होंने पहाड़ी भाषा से अपना संबोधन करना चाहा और यहाँ उन्होंने कई देवी देवताओं को याद भी किया। देवी देवताओं को याद करते वक्त उनकी ओर से ये भी बातें कही गई कि जो भी लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे हैं, वो बिल्कुल आम परिवार के सदस्यों तक पहुँचे, एक एक जन तक जाएं और फिर वहाँ पर लोगों से ये भी अपील करें कि भाजपा को ही इस बार वोट दें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमस्कार भी उन तक पहुँचाए। उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो एक एक घर में जाकर नमस्कार कर सके, सभी देवी देवताओं के पास जाकर माथा टेक सके, इसीलिए जो वहां पर लोग पहुंचे थे, बाकी कार्यकर्ता पहुंचे थे, उन्हीं से उन्होंने इस बारे में अपील की है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि सुरेश कश्यप को ही वोट दी जानी चाहिए क्योंकि वो वोट सुरेश कश्यप को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री को मिलने वाली है। तो ये 3 से 4 बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई। इसके अलावा कांग्रेस पर भी उन्होंने बड़े तंज कसे हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपना सपना पूरा करने की भी बात कही है। हिमाचल में विकास हो सके, विकसित भारत हो सके, इसके लिए जरूरी है कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने और केंद्र में भाजपा की सरकार आए और ये सपना केवल आम जनता पूरा कर सकती है। तो इसकी भी अपील उनकी ओर से की गई है कि ये सपना भी जरूर पूरा करने में उनका सहयोग दिया जाए। हालांकि देखिए इसी बीच कांग्रेस पर भी बड़े तंज उनकी ओर से कसे गए हैं जिसमें उनका ये कहना था कि जितनी भी गारंटियां कांग्रेस की ओर से दी गई हैं उन्हें पूरा करने में कांग्रेस पूरी तरह से विफल रही है। अभी तक कोई भी गारंटी पूरी नहीं की गई है, कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है। और तो और जब पहली कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी तो उसमें भी 1 लाख नौकरियां देने का वायदा पूरा नहीं किया गया। हालांकि इस बीच इतना जरूर हुआ है कि पहली कैबिनेट में ही इस सरकार की कैबिनेट टूट गई थी। इस पर चुटकी लेते हुए दरअसल उनकी ओर से ये बड़ी बात कही गई है। तीसरी बात करना चाहेंगे सुरेश कश्यप और कंगना रनौत के लिए जब उन्होंने वोट्स मांगी तो कौन कौन सी उपलब्धियां गिनवाई है। देखिए 4 से 5 बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई है जिसमें उनका ये कहना था कि यदि फिर से भाजपा ही सेंटर में आती है तो जो मुफ्त राशन लोगों को मिल रहा है वो अगले 5 साल फिर से निःशुल्क ही मिलता रहेगा। तकरीबन ये 5 लाख के करीब लोग हैं जिन्हें मुफ्त राशन यहाँ पर दिया जा रहा है और ये योजना अगर लोग चाह रहे हैं कि आने वाले समय में भी लागू रहे तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो नरेंद्र मोदी का साथ दें। दूसरी बड़ी बात बल ट्रक पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी सुविधाएं भी हिमाचल प्रदेश में दी गई है, ये भाजपा की ही देन है। इससे पहले कांग्रेस ने जब 60 वर्ष राज किया तो हिमाचल को देखा तक नहीं, हिमाचल के लिए कुछ नहीं किया। अब जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो भाजपा की सरकार में ही आए हैं। देखिए एक बड़ा तंज उन्होंने कांग्रेस पर इस दौरान ये कसा है कि 60 वर्ष तक सिर्फ अगर किसी के लिए कोई योजना लाई गई तो वो बेहद गरीब लोग थे। हालांकि जो सामान्य वर्ग में लोग आते हैं वो भी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके लिए कोई योजना नहीं लाई गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए भी योजना लेकर आए हैं। दरअसल जितने भी बड़ी उपलब्धियां रही हैं या फैसले रहे हैं वो उनकी ओर से इस दौरान जरूर गिनवाए गए हैं। क्योंकि देखिए जिला सिरमौर गए थे और नाहन के चौगान मैदान में सुबह जब जनसभा उनकी ओर से आयोजित की संबोधित की जा रही थी तो इस बीच उनकी ओर से ये भी बात कही गई कि हाटी समुदाय को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा भी भाजपा की ही देन है। इससे पहले इतने वर्षों तक ये मामला लटका रहा क्योंकि कांग्रेस ये दर्जा उन्हें नहीं देना चाहती थी और अब वो उम्मीद करते हैं कि हाटी समुदाय के लोग भी भाजपा का ही साथ देने वाले हैं। जो कुछ एक बड़ी बातें देखिए उनकी ओर से कही गई है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मोदी ने समान नागरिक संहिता का संकल्प लिया है, सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए आने वाले समय में, चाहे पुरुष हैं महिलाएं हैं, सभी के लिए एक समान कानून रहने वाला है, यहां पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखिए कर्मचारियों पर आना चाहेंगे क्योंकि इसी बीच बड़ी बात मंडी में कर्मचारियों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दी है। लगातार क्योंकि कर्मचारियों की ओर से महंगाई भत्ते को लेकर इंतजार हो रहा है कि सभी किस्तें उन्हें कब तक मिल पाएंगी, तो ये भी यहाँ प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया कि जब सुक्खू सरकार बनी थी तो उस वक्त इस तरह की चहल पहल काफी ज्यादा मच गई थी कि सबसे पहले कर्मचारियों की देनदारियां पूरी की जाएंगी, लेकिन आज भी डीए के इंतजार में कहीं ना कहीं कर्मचारी हैं। तो आखिरकार कब तक उन्हें वो इंतजार करना होगा, और अगर कांग्रेस सरकार चाहती तो एक बारी में ही ये महंगाई भत्ते की किस्त अदा कर सकती थी, लेकिन अदायगी अभी भी बिल्कुल पेंडिंग है और ये पेंडिंग ही रहेगी क्योंकि आर्थिक स्थिति कितनी ज्यादा कमजोर है कांग्रेस की सरकार की, इस बात का बखान तो खुद ही कांग्रेस के नेता करते आ रहे हैं।
तो ये कुछ एक तमाम बातें देखिए आज उनकी ओर से कही गई है। हालांकि फोर लेन को लेकर भी उन्होंने बात कही कि किरतपुर मंडी फोर लेन पर अब सफर सुहाना हो गया है, अब कुछ ही घंटे लगते हैं और ये सफर तय किया जा सकता है। और तो और लाहौल स्पीति से भी ताजे फल फ्रूट मंडी में पहुंचाया करते हैं, मंडी से सामान लाहौल स्पीति पहुंच जाता है और ये सिर्फ इसीलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि फोर लेन का निर्माण भाजपा की सरकार में हुआ है। तो ये कुछ एक बातें आज उनकी ओर से कही गई हैं। और एक बड़ा आरोप उन्होंने ये भी लगाया क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से ये कहा जा रहा है कि जब हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई थी तो कोई भी राशि केंद्र सरकार की ओर से नहीं दी गई, हिमाचल की कोई मदद नहीं हुई, तो इसका जवाब भी आज प्रधानमंत्री ने दिया है। और साफ शब्दों में देखिए उनकी ओर से क्या कहा गया है कि बिल्कुल राशि दी गई थी, सेंटर ने मदद की है, लेकिन बंदरबांट उसकी की गई। यहां आम जनता की मदद ना करते हुए कांग्रेस सरकार के नेताओं ने आपस में ही इस राशि को बांट लिया, लेकिन इस बात की इन्वेस्टिगेशन भी प्रधानमंत्री करवाने वाले हैं कि आखिरकार राशि कहां गई, किस नेता ने हड़प ली है, वो इसमें किसी को भी बख्शने वाले नहीं है। लगातार क्योंकि यहां पर दो ही मुद्दे देखिए कांग्रेस सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं, एक प्राकृतिक आपदा को लेकर कि सेंटर ने उसमें कोई मदद नहीं की और दूसरी बड़ी बात उनका ये कहना है कि हिमाचल की पूरी तरह से अनदेखी हो रही है। तो प्रधानमंत्री ने आज इस पर जवाब दिया है और बार बार उन्होंने एक बात का जिक्र किया, जैसे ही नाहन में ये पहुंचे थे जनसभा संबोधित करने के लिए तो पहाड़ी भाषा में क्योंकि इन्होंने शुरुआत की संबोधन की और उसी बीच इनकी ओर से ये भी कहा गया कि जो हिमाचल प्रदेश है वो इनका दूसरा घर है, ऐसी ही बात उन्होंने मंडी में भी कही, जिसके बाद उत्सुकता और ज्यादा हिमाचल वासियों के चेहरे पर बढ़ गई थी। और अनदेखी हिमाचल की नहीं की जा सकती है, अगर करनी होती तो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स यहां पर शुरू नहीं किए जाते। और जब प्राकृतिक आपदा भी आई थी, जो राशि दी गई थी केंद्र सरकार की ओर से इसी मकसद से दी गई थी कि यहां के प्रभावित परिवारों की मदद की जा सके, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया, ये कांग्रेस का आरोप है और इसी का पलटवार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। अब देखिए आना चाहेंगे एक बड़े मुद्दे पर और ये कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की ओर से आज स्टेटमेंट दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या जितने भी भाजपा के बड़े नेता हैं, जब भी अपने भाषण की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले इसी बात का उल्लेख उनकी ओर से किया जाता है कि भगवान राम का मंदिर तो अयोध्या में भाजपा ने ही बनाया है, प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई। तो राजीव शुक्ला का ये कहना है कि बार बार भाजपा ही कहते हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती थी अयोध्या में राम मंदिर बने, लेकिन अब अगर सेंटर में कांग्रेस की सरकार आती है तो दोबारा से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाएगी। हालांकि एक तरह से विवादित बयान भी हम कह सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर यह बयान काफी ज्यादा जोरों से वायरल हो रहा है और इसमें एक ही सवाल किया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा कोई भी करवाए वो प्राण प्रतिष्ठा ही है, ऐसे में दोबारा से ये प्राण प्रतिष्ठा करवाने की बात क्यों हो रही है। अब राजीव शुक्ला ने ये बयान दे दिया है, आखिरकार किस मकसद से दिया है, फिलहाल इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय महासचिव है वेणु गोपाल, उनकी ओर से भी कुछ एक बातें इसमें कही गई है। केसी वेणुगोपाल की ओर से भी यही कहा गया है कि केवल झूठ बोलने का काम प्रधानमंत्री ने किया है, अब उनके पास झूठ बोलने के लिए भी कुछ नहीं रह गया है, इसलिए अब यहां आकर मीठी बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अलावा बाकी राज्यों में भी कोई विकास नहीं हो पाया है, ना तो रोजगार दिया गया है, ना किसानों को लेकर कोई बात की जा रही है, महज बार बार यहां पर धर्म का मुद्दा उठा दिया जाता है, मुसलमानों का नाम लेकर कहीं ना कहीं लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश, लोगों का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश प्रधानमंत्री करने में लगे हुए हैं। हालांकि ये बात आज प्रधानमंत्री की ओर से देखिए सिरमौर में भी कही गई है, नाहन के चौगान मैदान में जब वो जनसभा संबोधित कर रहे थे तो वहां भी उनकी ओर से ये चीज कही गई कि जो मुसलमान है ये एक तरह से वोट बैंक बन गए हैं कांग्रेस का और आरक्षण छीन रही है बाकी वर्गों से कांग्रेस की सरकार, और फिर कहीं ना कहीं इन वर्गों को ये आरक्षण छीन के दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा मोदी सरकार नहीं होने देगी और इसके लिए जरूरी है कि आम लोग उनका सहयोग करें। तो आज कुछ इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं और हर बात का जवाब कैसे प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया है ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। देखिए लगातार यहां पर महंगाई के मुद्दे पर बात कही जाती है कांग्रेस की ओर से भी भाजपा की ओर से भी, तो आज केसी वेणुगोपाल की ओर से ये बात भी स्पष्ट तौर पर कही गई है कि महंगाई पर आखिरकार नरेंद्र मोदी कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं, किसानों के लिए क्या किया इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं, कितने युवाओं को रोजगार दिया इस पर भी कोई बात नहीं कह रहे हैं, महज यहां पर राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई है इसी मुद्दे को बार बार भुनाने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस ने इसका विरोध किया, इस बात को लेकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन बाकी राज्यों में भी अब पता चल चुका है और जिस तरह की पोल ओपिनियन आई है उसके बाद ये क्लियर हो चुका है कि सेंटर में कांग्रेस की ही सरकार बनने वाली है, ये दावा भी राजीव शुक्ला की ओर से और केसी वेणुगोपाल की ओर से आज कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया।
इस सबके बीच देखिए जो सुधीर शर्मा है भाजपा प्रत्याशी है धर्मशाला से, इनके तेवर भी बदलते हुए नजर आए हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कई तरह के आरोप ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर लगा रहे हैं, लेकिन आज बड़ी बात इनकी ओर से ये भी कही गई है कि जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो सभी क्रशर स्टोन बंद करवा दिए गए थे, महज एक क्रशर चल रहा था और वो मुख्यमंत्री के भाई का था। अपने परिवारजनों के लिए सभी सुविधाएं मुख्यमंत्री की ओर से दी जा रही हैं, लेकिन आम जनता या विधायक जब उनके पास अपील लेकर पहुंच रहे थे तो उनके लिए कुछ नहीं किया गया। और अब धोखाबाजी के या दगाबाजी के आरोप जो प्रत्याशियों पर लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है, इसका जवाब जनता कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को देने वाली है। अब देखिए इस सबके बीच एक और बात आपको बता देते हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो गई है, दो जगहों पर उन्होंने रैली को संबोधित किया है, लेकिन इसी बीच अब कांग्रेस की ओर से भी बड़ी जनसभाएं आयोजित होने वाली है जिसमें कि राहुल गांधी भी पहुंचेंगे और बिल्कुल नाहन ही इनकी ओर से भी यहां पर क्षेत्र चुना गया है जनसभा को संबोधित करने के लिए, तैयारियां इसके लिए शुरू हो गई हैं और एक दिन छोड़कर यानी कि परसों का वो दिन रहने वाला है जब राहुल गांधी आएंगे। अगले कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी जनसभा संबोधित की जाएगी, इसके लिए रोड़ू क्षेत्र उनकी ओर से चुना गया है, तैयारियां यहां भी जोरों शोरों से हैं। और दूसरी ओर भी भाजपाई भी इस बात में देखिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। स्ट्रेंथ की बात करें तो दोनों ही राजनीतिक दलों के साथ हमें बिल्कुल इक्वल स्ट्रेंथ इस वक्त देखने के लिए मिल रही है। पहली मरतबा ऐसे हालात हिमाचल प्रदेश में बने हैं जब ये कहना और समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो पा रहा है कि आखिरकार इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ की स्ट्रेंथ बिल्कुल बराबर है। हालांकि अब जो आम लोग हैं वो किसकी तरफ जाते हैं, 15 महीने के कार्यकाल में जो भी बड़ी सेवाएं या उपलब्धियां हासिल की गई है कांग्रेस सरकार की ओर से वो बार बार गिनवाई जा रही है, लोगों को उससे अवगत करवाया जा रहा है मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से। और अब लाजमी सी बात है जब राहुल गांधी आएंगे या राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से जनसभा संबोधित की जाएगी तो वो भी सभी उपलब्धियां बिल्कुल गिनवाने वाले हैं। दूसरी ओर भाजपा है, यहां देखिए भाजपा की ओर से एक बात का उल्लेख बार बार हो रहा है, केंद्र सरकार की ओर से जो भी योजनाएं लाई गई है या आने वाले समय में जो नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, फिर चाहे सोलर लाइट को लेकर है या फिर इससे पहले हिमकेयर या गृहिणी सुविधा योजना जैसी शुरुआत यहां पर की गई थी, हालांकि पूर्व जयराम सरकार में भी इनमें से कुछ एक योजनाएं शुरू की गई थी, तो इनसे अवगत कहीं ना कहीं लोगों को करवाया जा रहा है और इसका कितना असर इस बार हमें देखने के लिए मिलता है ये देखना काफी ज्यादा रोचक रहने वाला है। दूसरी बड़ी बात आपको एक और बता देते हैं, क्योंकि अब 3 से 4 दिन ही प्रचार प्रसार के लिए नेताओं के पास रह गए हैं।